पाप करने वालों सावधान हो जाओ, यीशु मसीह आ रहे हैं, वरना बहुत महंगा पड़ेगा। अगर यहाँ पर गलती से छूट गए तो बहुत बुरा हाल होगा। जो लोग यहाँ पर रह जाएंगे वे लोग उस समय बिन चरवाहों की भेड़े बन जाएंगे। उनके लिए कोई आस की किरण नजर नहीं आएगी, क्योंकि आज लोगों को बताया जा रहा है कि भैया पाप मत करो, मगर उस मसीह को समझ में नहीं आ रहा है। अरे व्यभिचार मत करो, व्यभिचार करने में मन लगा रहे हैं, पाप करने में मन लगा रहे हैं। आज मसीहत सिर्फ नाम की मसीहत रह गई है, आज मसीहत लगातार बिगड़ती चली जा रही है, आज किसी का स्वर्ग और नर्क के बारे में बताया जाता है तो बोलते हैं, ब्रदर जी मुझे ऐसा मत बताओ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा बताओ जिससे नौकरी मिले, चंगाई मिले, अच्छा ही अच्छा सुनना चाहेंगे। अरे कानों की खुजली वाले वचन सुनना चाहेंगे, उनके कान की खुजली किसी ना किसी तरह से अच्छे वचनों को सुनकर मिट जाए। आज यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। अरे सावधान हो जाओ, वरना परमेश्वर सारी हेकड़ी निकाल देगा उस नरक की आग में। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है। आज लोगों को सच सुनने की हिम्मत ही नहीं है, सिर्फ उनको अच्छा ही अच्छा सुनने की आदत पड़ गई है। मेरा घर कैसे बनेगा, मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, मुझे चंगाई कैसे मिलेगी, मुझे चंगाई मिल जाए, सिर्फ बस अच्छा ही अच्छा सुनना चाहेंगे, अच्छा ही अच्छा सुनना चाहेंगे। अरे सुधर जाओ और बचा लो अपने आप को उस नर्क की आग से। अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो हमेशा के लिए गए, वहां से कोई आपको निकालने नहीं आएगा। अभी तो बड़ा मजा आ रहा है सेक्स वीडियो देखने में, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है लड़की को पटाने में, अभी तो बड़ा मजा आ रहा है लड़की को आंख मारने में, अभी तो सब कुछ अच्छा ही नजर आ रहा है, अभी तो अच्छा ही अच्छा नजर आ रहा है। मगर याद रखना, ऐसी ही जिंदगी लोग नूह के दिनों में जी रहे थे, मगर नूह ने लोगों को बताया मन फिरा लो, पाप से तौबा कर लो, परंतु उन लोगों ने नूह को ठट्ठों में उड़ाया, उसकी बातों को लोग ठट्ठों में उड़ा रहे थे, अरे मजाक में ले रहे थे। उन लोगों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया था, जल की धाराओं से, बाढ़ से परमेश्वर ने नष्ट करके रख दिया था। अरे आज वैसा ही हो रहा है, लोगों को सच बताया जा रहा है, अरे लोग हंसते हैं, टट्टों में उड़ाते हैं, अरे पास्टरों के पीछे भागते हैं, अरे वो कैसे बोल रहा है, अरे उसके पीछे चलते हैं, वचन कहाँ है, वचन मालूम नहीं है, परमेश्वर की आज्ञा कहाँ है, आज्ञा मालूम नहीं है, बस पादरी क्या बोल रहा है, पादरी पे मन लगा रहे हैं। अरे सुधर जाओ और बचा लो, वरना परमेश्वर तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है जो तुम्हें स्वर्ग दे देगा। जो तुम पाप कर रहे हो, अपने बाप से छिपके पाप कर रहे हो, मगर परमेश्वर सब कुछ देखता है, आपका न्याय करेगा, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। मन फिरा लो, वरना परमेश्वर नाश करके रख देगा। मेरे प्रियजनों, मन फिरा लो, नष्ट करके रख देगा परमेश्वर। आज वैसा ही हो रहा है, लोग मन नहीं फिरा रहे हैं, मन फिरा लो वरना बहुत बुरा हाल होगा। अगर यहाँ पर रह गए आपको रोना भी नहीं आएगा, रोना, अरे परमेश्वर न्याय करके नंगा डालेगा। अरे बाइबल बताती है एक बार मरना और फिर उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करना बहुत ही जरूरी है। अरे उसके कामों के अनुसार, उसके कर्मों के अनुसार परमेश्वर उसका न्याय करेगा। अभी सुधर जाओ, अभी टाइम है, वरना आपको पता ही होगा एक बार मरने के बाद आपकी आत्मा धनवान की साइड या तो अब्राहम की साइड चली जाएगी और परमेश्वर उसका न्याय उसके कामों के अनुसार करेगा। मैं आपसे एक बता रहा हूँ मेरे भाई, ध्यान से सुन लेना, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ होगा तो आपको मालूम ही है मुझे कहाँ जाना पड़ जाएगा। समय रहते हुए अपने पापों से मन फिरा लो और लौट आओ यीशु मसीह के पास, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। मत्ती 24 अध्याय के 36 वचन में लिखा हुआ है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। यहाँ पर वचन साफ बता रहा है,
उस दिन दिन के विषय में किसी को नहीं पता है, जब यीशु मसीह आएगा। अरे यीशु मसीह अचानक आएगा, और बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं यीशु मसीह 2027 में आएगा, उस साल में आएगा। अरे परंतु यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता है, न स्वर्ग के दूतों को पता है, परंतु केवल पिता जानता है, परमेश्वर जानता है कि मुझे कब आना है, कब आना है, कब आना है। मन फिरा लो, परमेश्वर आने वाले हैं। मन फिरा लो, परमेश्वर आने वाले हैं। आगे लिखा है 40 वचन में, उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। मैं तुमसे सचमुच कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर सोते होंगे, एक को बदलकर उठा लिया जाएगा और दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। यहाँ पर कौन लिया जाएगा और कौन छोड़ा जाएगा, याद रख लेना, कौन लिया जाएगा, कौन छोड़ा जाएगा। जो पाप करते हुए विचार करते मसीह में रहकर भी संसार के साथ चलते हैं, उनको परमेश्वर यहाँ पर छोड़ देगा। जो परमेश्वर के वचन पर चलते हैं, उससे प्रेम करते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, सिर्फ उनको यीशु मसीह उठाकर स्वर्ग में ले जाएगा। वरना परमेश्वर तुम्हारे पाप का नौकर नहीं है। जो आप पाप करोगे और पाप करके आप स्वर्ग भी चले जाओगे, परमेश्वर आपको स्वर्ग दे देगा। नो, आप गलत हो, इसलिए जागते रहो। तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो, यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो आज जागता रहता और अपने घर में चोरी होने न देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा, परमेश्वर आ जाएगा। इसलिए जागते रहो। यह प्रवचन साफ साफ कह रहा है, अरे जागते रहो, जागते रहो, पाप मत करो, प्रार्थना में लगे रहो, वचन में जलते रहो, वचन में चलते रहो। वरना याद रख लेना, अगर आप यहाँ पर गलती से छूट गए तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। परमेश्वर न्याय करके उसको आग में नंगा ही डाल देगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते हैं। अरे जहाँ पर धनवान अभी भी मौजूद है, अभी भी मौजूद है, अभी न्याय करने वाला परमेश्वर वो न्याय करेगा। अरे अभी टाइम है, सुधर जाओ, वरना न्याय करेगा परमेश्वर। वो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। जो आपने पाप किया है, व्यभिचार किया है, गुना किया है, कुछ ऐसा किया है, बोल दो आज परमेश्वर के सामने, मान लो, परमेश्वर माफ कर देगा, टाइम हो जाएगा। बाइबल बताती है, एक बार मर गए तो उसके कामों के अनुसार उसका न्याय करके परमेश्वर नरक में डाल देगा। मेरे प्रियजनों, ने इस वीडियो को दबा के शेयर करें अपने मसीह भाइयों के पास। आप सभी को जय मसीह की। गुड लक। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।